By the real. Friends, welcome to my YouTube channel Epic Muscle Mind and my name is Anurag Sahu. और आज की ये सेकेंड एपिसोड में मैं आपके संग अपने रेस्ट डे के डाइट चार्ट प्लानिंग को शेयर करने वाला हूँ. सो पूरा देखिएगा वीडियो, क्योंकि ये मेरा पर्सनल डाइट चार्ट प्लानिंग है. सो आपको भी कुछ जरूर हेल्प मिल सकती है. सुबह के 9 बज चुके हैं और ये है हमारा ब्रेकफास्ट टाइम, जिसमें आज मैं खाने वाला हूँ एग वाइट एंड येलो एग वाला, जिसे हम लोग ऑमलेट ही बोलते हैं. और ये है दाल, रोटी और क्यूकम्बर. क्यूकम्बर इसलिए लिया क्योंकि मैंने सुना है फाइबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे बॉडी बिल्डिंग के लिए. और हमारे 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स से जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, ये हमारे लिए ब्रेकफास्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है. जैसा मैंने आपको बोला है, ये हमारा ब्रेकफास्ट जिसमें हमें चाहिए प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड फाइबर. सो फैट हमें येलो पार्ट के एक से मिल जाएगा. कार्बोहाइड्रेट के लिए हमें दाल और रोटी मिल जाएगा एडिक्वेट अमाउंट में. और हमें चाहिए प्रोटीन हाई, जिसके कारण ये पूरे ब्रेकफास्ट में हमें 20 ग्राम्स का प्रोटीन मिल सकता है, जो हमारे बॉडी बिल्डिंग के लिए बहुत ज़रूरी है. और बॉडी बिल्डिंग के लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है प्रोटीन एंड अमीनो एसिड्स. और एग वाइट में बहुत भरपूर मात्रा में आपको अमीनो एसिड मिल सकता है. सो स्टार्ट करते हैं अपना ब्रेकफास्ट. सो फ्रेंड्स, ये है मील नंबर 2 हमारा ब्रेकफास्ट स्नैक्स, जिसमें हम खाएंगे सोया चंक एंड ब्रेड एंड पीनट बटर, जिसमें हमें लगभग 25 ग्राम्स प्रोटीन और 15 ग्राम्स कार्बोहाइड्रेट एंड 8 ग्राम्स फैट मिल रहा है, वो भी गुड फैट विद पीनट बटर के संग. और ये हमारा सेकेंड मील है. और सोया चंक जो बॉयल्ड है, इसमें हम लोग टेस्टी बनाने के लिए कुछ मसाले का यूज़ किए हैं, जिसके कारण हमारा ये सोया चंक है और टेस्टी हो जाएगा. सो हम अपना सेकेंड मील स्टार्ट कर रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं आप. और ये है सोया चंक के संग मसाले, जिसे अच्छे से मिक्स कर ले, जिससे हमारे जो सोया चंक है वो टेस्टी हो जाए. और पीनट बटर जो टेस्टी है. और हमेशा याद रखें, कम से कम वाटर अपने संग हमेशा रखें, क्योंकि वाटर इंटेक करना बहुत ज़रूरी है. दिन में एक कम से कम आपको 3-4 लीटर्स वाटर इंटेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो ये है हमारा सेकेंड मील कंप्लीटेड. ये है मील नंबर 3 लंच, जो मैं 2 बजे कर रहा हूँ. और इसमें मेरा जो लंच है वो वाइट राइस है, सब्जियाँ है, चिकन है, पनीर है और सलाद है और दही है. इन सब के मीन्स ये जो बेनिफिट है, वाइट राइस है जो मुझे कार्ब्स का काम कर रहा है, चिकन प्रोटीन देगा मुझे, और जो पनीर है वो मुझे फैट देगा, उसके संग वो प्रोटीन भी देगा. और जो सलाद और सब्जियाँ है ये मुझे फाइबर देगी, जो हमें हेल्दी रखने के लिए बहुत काम आती है. और दही इसलिए है क्योंकि ये हमें डाइजेशन में बहुत हेल्प करने वाली है. और जो ये 2 चिप्स है वो मेरी मम्मी दे दी है क्योंकि खाना और टेस्टी बन जाए इसके कारण. सो ये है हमारा लंच, फुल चार्ट है, फुल प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और कार्ब्स, प्रोटीन और फैट से भरा हुआ है. और ये हम स्टार्ट करने वाले हैं. हमारा इवनिंग स्नैक्स टाइम, जो शाम के 6 बज रहे हैं.
और ये हमारा जो स्नैक्स है ये ओट्स है और चॉकलेट पीनट बटर विथ चॉकलेट फ्लेवर्ड प्रोटीन, जो जिसमें मुझे मिल रहा है 25 ग्राम्स प्रोटीन, 30 ग्राम्स कार्बोहाइड्रेट एंड 10 ग्राम्स फैट। और ये हमारा कंप्लीट इवनिंग स्नैक्स स्टार्ट कर रहा हूँ। और ये स्नैक्स कम्प्लीटली बहुत टेस्टी भी है और मुझे बहुत पसंद भी है, तो मैं इवनिंग स्नैक्स में यही खाना बहुत पसंद करता हूँ। और फ्रेंड्स, ये है हमारा डिनर जो लगभग 9 बजे मैं करता हूँ, और ये मेरा मील नंबर 5 है। और इसमें आप देख सकते हैं 3 रोटी है जो कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन है, आलू की सब्जी और पटल की सब्जी है जो कार्बोहाइड्रेट एंड फाइबर देगा, और ये तड़का है जो प्रोटीन फैट और कार्बोहाइड्रेट से भरा हुआ है, एंड बॉइल्ड एग वाइट जो हमें प्रोटीन्स एंड अमीनो एसिड देगी। सो ये है मेरा फुल लास्ट डिनर। और इसमें फैट की कमी इसलिए है क्योंकि मैं रात को सोने वक्त 1 ग्लास दूध पीऊंगा, जिससे मुझे फैट और प्रोटीन दोनों मिल जाएंगे, क्योंकि वो लिक्विड प्रोटीन है जो लेट से डाइजेस्ट होता है और मैं रात भर में वो पूरा कम्प्लीटली डाइजेस्ट हो जाएगा, जिससे मुझे सुबह एनर्जी मिल सकती है। सो आज का ये मैं डिनर कंप्लीट करने जा रहा हूँ, और रात की 6th मिल्क में मिलते हैं। सो फ्रेंड्स, ये हमारा 6th मिल्क, रात के करीबन 10 बज चुके हैं और मैं अपने ये 1 ग्लास दूध पीकर सोने चला जाऊंगा शायद 10 बजे तक कुछ पेंडिंग काम्स करके। और ये जो 1 ग्लास दूध 350 ml है, ये कम्प्लीटली कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट से फिल्ड है, और ये मुझे रात भर जब मैं सोऊंगा तो ये डाइजेस्ट स्लोली होता रहेगा। सो आज का मैं सारा वीडियो अपना आपको शो कर चुका हूँ, जिसमें मैंने अपना फुल डे ईटिंग दिखाया हूँ, और ये जो वीडियो मैंने बनाया है इससे आपको जरूर हेल्प मिलेगी। और नेक्स्ट वीडियो मैं कोशिश करूँगा जब मैं बनाऊँ फुल डे ईटिंग में, तो उसमें मैं कैलोरी के हेल्प से कैसे आप फैट लॉस कर सकते हैं और कैसे वेट गेन कर सकते हैं उसके बारे में आपको मैं जरूर टिप्स बताऊँगा। सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एपिक मसल माइंड, एंड माई नेम इज अनुराग साहू, एंड गिव अ लाइक एंड कमेंट।